वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर नानक प्रगटिया, मिटी धुंद जग चानण हुआ। ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपै अंधेर पलोआ। सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब असी सारे ही बड़ी श्रद्धा के नाल मना रहे हैं। लेकिन जिथे साडे अंदर श्रद्धा है, त्यौहार नूं प्रकाश पुरब नूं मनाउण दा चाह है, उत्थे ही साडे अंदर तांग भी होनी जरूरी है कि साडे महान गुरु दा महान उपदेशां नूं असी अपने जीवन विच किस तरह अमली तौर ते अपने जीवन विच लिया सकदे हां। क्योंकि जदों असी गुरु नानक साहिब दा इतिहास पढ़दे हाँ, उस वे सानू कई भरी कई थावां ते एक गल स्पष्ट हो जाती है कि गुरु नानक साहिब ने शब्द स्वरूप गुरु नू ही प्रचारिया। गुरु नानक पातशाह ने आरंभ तो ही मनुख दी इस कमजोरी नू भांप लिया अते शरीरक पूजा दी थां शब्द ज्ञान नू प्रचारिया। जिस समय गुरु नानक पातशाह संसार विच विचरे, योग मत दा बोल वाला सी अते जिहड़े योगी सन वो अपने आप नू संसार दा गुरु मान बैठे सन। गुरु नानक साहिब नाल सिद्धां दी होई गोष्ट विचार चर्चा दा विशा भी गुरु ही सी, गुरु ते ही चर्चा हो रही सी। सिद्ध कुछ अपने आप नू गुरु कह रहे सन, लेकिन गुरु महाराज गुरु किस नू आख रहे सन वह वेखना सी इत्थे जरूरी है। सिद्धां दा प्रश्न, कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। ये सिद्धां दा प्रश्न सी। हुण गुरु नानक साहिब उत्तर की दिंदे हन। पवन आरंभ सुर सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। गुरु नानक पातशाह ने शब्द गुरु का विचार सिद्धांत संसार विच प्रगट किया अते इसनू दृढ़ाउण दे लई अपने वक् वक् सरूपां विच रह के लगाए। शरीर नू केवल एक वसीला ही समझिया, इसे लई ज्ञान किसी भी शरीर विचों प्रगट होया होवे उसनू प्रवान किया अते गुरु ग्रंथ साहिब विच इसे लई गुरु साहिबान की बाणी तो छुट अनेकां भगतां दी बाणी नूं अंकित कीता गया है। अज असी उसे गुरु दा पावन इतिहास सरवण करना है। आओ जी हुण इतिहास वल झाती मारीए। श्री गुरु नानक देव जी दा जन्म पिंड राय भोई दी तलवंडी जिला शेखूपुरा पाकिस्तान विच होया ते 15 अप्रैल सन 1469 नूं होया, जिस नूं अजकल ननकाणा साहिब भी आखदे हन। गुरु जी दे पिता जी दा नाम मेहता कल्याण दास मेहता कालू जी सी ते गुरु जी दी माता जी दा नाम माता तृप्ता जी सी। आप जी दी वड्डी भैण बेबे नानकी जी जो कि आप जियां तो 5 साल वड्डी सी, बाल उम्र विच जदों आप जी नूं पढ़ने पाया आप जी की तीखन बुद्धि नूं वेख के उस्ताद हैरान हो गया। 10 साल की उम्र में जदों आप जी नूं जनेऊ पाउण लगे तो आपने झूठे जनेऊ का खंडन करके जनेऊ पाउण तो ना कर दिती। जदों असी जनेऊ का प्रसंग पढ़ांगे उस समय असी यह भी वेखांगे कि गुरु साहिब ने किहड़े जो शब्द हैं उत्थे उचारे ने। दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट, एह जनेऊ जी का हई ता भांडे कत, ना ए टुटै ना मल लगै ना ए जलै ना जाए, तन सो मानस नानका जो गल चले पाए। ये पावन शब्द गुरु साहिब ने 10 साल की उम्र विच उचारे फुरमाए। 12 साल की उम्र विच गुरु नानक देव जी मंजियां दे वागी बने। 18 साल की उम्र विच आप जी का विआह बटाले दे रहण वाले श्री मूल चंद जी की लड़की सुलखनी जी नाल होया।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸੰਨ 1504 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਪਾਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਬਣੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿਲ ਸੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬਗੀਰਥ ਆਪ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਵਹੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਪਾਸ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸਦਾ ਹਾਸਾ ਉਡਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਖਰੀ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 1507 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਗਲਤ ਰੀਤੀ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।